अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम 1.8 लेसन पढ़ रहे हैं वॉयजिंग टूअर नॉर्थ। इसका चौथा पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं जो पेज नंबर 81 पर है। एज आई क्लाइम द स्टेयर्स, पेज नंबर 81 की पहली लाइन से लेकर पेज नंबर 81 पर ही ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पर ही ख़त्म होता है। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने देखा पैसेज नंबर 3 में, राइटर जो है वो उनकी इंग्लिश पुअर होने की वजह से किस तरह उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। तो पैसेज नंबर 4 में हम देख रहे हैं कि राइटर यहाँ पर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट स्किल्स का यूज़ कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, यानी अपनी इंग्लिश को सुधारने के लिए वो मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं, स्टेप्स ले रहे हैं, और उसको और उनको जो है इंग्लिश पर जब मास्टरी यानी महारत हासिल हो गई तो कौन कौन सी उनको अचीवमेंट्स मिली, कौन कौन सी कामयाबी मिली, ये दो बातों का इसमें ख़ास तौर से जिक्र है। यानी इंग्लिश स्पीकिंग में एक्सपर्ट होने में कौन कौन सी उन्होंने कोशिशें की, और उन कोशिशों में कामयाब होने के बाद उन्हें कौन कौन सी कंपनीज़ में बड़े बड़े ऑफ़र मिले, और किस तरह उन्होंने अपनी इम्प्रूव्ड इंग्लिश को इम्प्रूव करके कामयाबियाँ हासिल की। ओके, लेट्स सी। एज आई क्लाइम द स्टेयर्स ऑफ माई हॉस्टल रूम, जैसे जैसे मैं चढ़ा, क्लाइम चढ़ना, स्टेयर सीढ़ियाँ, हॉस्टल रूम, हॉस्टल रूम की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, माई प्लान, और दिल में क्या प्लान कर रहे थे, वॉज रेडी इन माई माइंड, और मेरे दिमाग में एक मनसूबा, एक प्लान बिल्कुल रेडी था। नॉर्मली मोस्ट ऑफ अस हु आर एजुकेटेड इन वर्नेकुलर लैंग्वेजेस, यानी आमतौर पर ज़्यादातर बच्चे हम में से जो वर्नेकुलर लैंग्वेजेस में एजुकेशन हासिल करते हैं, वर्नेकुलर लैंग्वेज कहते हैं नेटिव लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज, या हम उसको इलाकाई ज़बान कहते हैं, जैसे हमारी वर्नेकुलर लैंग्वेज मराठी है ना, तो जब हमारी इलाकाई ज़बान में हम तालीम हासिल करते हैं सच एज़ मराठी, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश में सोचने के बजाय क्या में सोचते हैं, थिंक इन मराठी, मराठी में सोचते हैं बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश को बोलने से पहले हम मराठी में सोचते हैं और उसको क्या करते हैं, ट्रांसलेट इन मराठी, और उसको मराठी में ट्रांसलेट करते हैं, एंड देन समहाउ और किसी भी तरह से ट्राई टू स्पीक आउट दिस ट्रांसलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस, और मराठी का भाषांतर या हिंदी हम बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं, उर्दू से इंग्लिश के सेंटेंस ट्रांसफ़र करके उल्टी सीधी इंग्लिश हम बोलना शुरू करते हैं इन एन एक्सट्रीमली ऑकवर्ड फैशन, है ना, तो बहुत ही ख़राब तरीका है। इंग्लिश को प्योरली इंग्लिश के फॉर्म में बोलना चाहिए, यानी राइटर कहें बोलना है कि हम लोग इलाकाई ज़बान के ज़ेरे असर इतने हैं कि हम इंग्लिश भी जब बोलते हैं तो हमारी ज़बान को हम ट्रांसलेट इंग्लिश में करते हैं जो इंग्लिश के कायदों के ख़िलाफ़ है। आई हैड डिसाइडेड, मैंने फैसला किया था, डेट आई वुड डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, कि मैं ये सॉर्ट यानी मेथड, ये मेथड यूज़ नहीं करूँगा, इंग्लिश को इंग्लिश के प्रोसीजर से सीखूँगा। आई वॉन्टेड टू अचीव एक्सेलेंस, क्योंकि मैं महारत हासिल करना चाहता था, एक्सेलेंस महारत अचीव हासिल करना। दिस अर्ज, अर्ज यानी डिज़ायर, ख्वाहिश टू एक्सेल, यानी ये मेरी ख्वाहिश एक्सेल करने की यानी उम्दा बनने की, इन एनी थिंग, हर चीज़ में, डेट यू ट्राई टू डू, कि जो आप कोशिश करें, हैज़ बीन विथ मी सिंस द चाइल्डहुड, बचपन से मुझे अच्छी और उम्दा और हर चीज़ मेयारी हासिल करने की ख्वाहिश थी। वेदर आई वुड सक्सीड इन दिस और नॉट, ये और बात थी कि उसको हासिल करने में मैं सक्सीड यानी कामयाब होता था, कभी होता था कभी नहीं होता था। आई ऑलवेज सेट माई एम्स हाई, लेकिन मैं अपने मकासद हमेशा बुलंद रखता था। इन दिस केस टू, और इस मामले में भी, यानी इंग्लिश सीखने के मामले में भी, आई वॉन्टेड टू स्पीक एक्सेलेंट, मैं चाहता था कि इंग्लिश में बहुत एक्सेलेंट, बहुत उमदगी से, बहुत नाइसली, बहुत फ्लुएंटली, बहुत करेक्टली, बहुत क्लियरली बोलूँ, ग्रामेटिकली बोलूँ, एंड फ्लुएंट, और रवानी से बोलूँ, साफ बोलूँ, तेज़ी से बोलूँ। द फर्स्ट थिंग आई डिड, सबसे पहला काम जो राइटर गोडबोले ने किया, वॉज टू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंग्लिश को रीड करना शुरू किया। बच्चों, आप भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पहला काम तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा, है ना, लिसनिंग, आप अच्छे से सुनेंगे, देन करेक्ट रीडिंग, फिर आप रीडिंग करेंगे, आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, देन स्पीकिंग, देन राइटिंग, ये चार स्टेप। स्टार्ट रीडिंग, फिर उसने इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट किया, न्यूज़पेपर्स, पहले उसने न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू किया, एंड इंग्लिश नॉवेल्स, है ना, नॉवेल्स बहुत डिटेल में होते हैं और उसमें काफ़ी
ऐसे अल्फाज होते हैं जो वोकेबलरी को हमारी स्ट्रॉन्ग करते हैं। इन्होंने क्या किया, पहले न्यूज़पेपर शुरू किया रीडिंग करना, इंग्लिश नावल रीड करना शुरू किया। आई स्टडीड एटीमोलॉजी, एटीमोलॉजी कहते हैं अल्फाज की तारीफ, हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स, देखना कि अल्फाज कैसे बनते हैं, कहाँ से उनका रूट है ना, वो देखना कहाँ से उनकी, कहाँ से वो आए हैं। एंड फोनेटिक्स, फोनेटिक्स कहते हैं साउंड्स एंड स्टडी ऑफ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स। सौती यानी आवाज़ से मुतालिक ज़बान के तलफ़ुज़ और मखारिज जो होते हैं उसका मुतालिया, वो फोनेटिक्स कहलाता है। तो ये दोनों का इन्होंने स्टडी किया, अल्फाज की तारीख और ज़बान के तलफ़ुज़। एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड, और अल्फाज कहाँ से आए इंग्लिश में उसको भी स्टडी किया। एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम, और उन अल्फाज को कैसे प्रोनाउंस किया जाए, उनको कैसे बोला जाए, कैसे तलफ़ुज़ उसका है, वो भी सीखा। एंड आई यूज़ टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और वो इन फ्रंट ऑफ एनी के सामने, मुहावरा है, वो आईने के सामने खड़े रहते हैं, एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग, और बोलने की प्रैक्टिस करते थे, मश्क करते थे। रियलाइजिंग माई मिस्टेक्स, अपनी रियलाइज़ करते थे, समझते थे अपनी मिस्टेक्स को, समझते थे। एंड करेक्टिंग देम, और उन मिस्टेक्स को करेक्ट करते थे, दुरुस्त करते थे। देम माई सेल्फ ऑल द टाइम, पूरा वक्त देते थे। एंड इम्प्रोवाइजिंग, और इम्प्रोवाइज करते थे, अपने आप को करेक्ट करते थे, सुधारते थे। एंड इम्प्रूविंग, और प्रोग्रेस करते थे, तरक्की करते थे डे बाय डे, दिन ब दिन। उनका यही मामूल था कि पहले उन्होंने एटीमोलॉजी सीखी, फिर फोनेटिक्स सीखा, न्यूज़पेपर पढ़े, नॉवेल्स पढ़े, उसके बाद स्पीकिंग की प्रैक्टिस आईने के सामने की, अपने अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया, समझा, उसके बाद इम्प्रोवाइज़ किया, उस मिस्टेक्स को करेक्ट किया, सुधारा, एंड देन इम्प्रूव हुए, यानी इंग्लिश उनकी इम्प्रूव हुई, यानी प्रोग्रेस हुआ उसमें, सुधार आया डे बाय डे, यानी धीरे धीरे, यानी एक काम जो तय किया उसको बहुत ही अच्छे अंदाज से लेकर चले। ओके, इट टुक अबाउट 9 to 10 months, हाँ ये प्रोसेस में कितने दिन लग गए उनको, 9 से 10 महीने लग गए। बाय विच टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, और उसके बाद मुझ में क्या पैदा होना शुरू हो गया, कॉन्फिडेंस, हाँ भरोसा आने लगा अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, हाँ फिर इंग्लिश बोलने में उनको कॉन्फिडेंस लगने लगा। एट लेंथ यानी फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे तक, फ्रेज है, विथ एनीबडी, हाँ फिर मैं एक बहुत देर तक किसी से भी इंग्लिश बोल सकता था। सॉरी, माई फियर हैड वैनिश्ड, फियर यानी डर, वैनिश यानी गायब हो जाना, उसका डर गायब हो गया राइटर का, गोडबोले का, सर का। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन माई हॉस्टल, और हॉस्टल में बाद में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अपने घर में हूँ, यानी जो डर था इंग्लिश ना सीखने का। मैसेज नंबर 3 में हमने देखा कि राइटर अपना, राइटर सब कुछ छोड़कर भाग जाना चाह रहे थे, लेकिन जब वो चीज़ जिस जो अपनी कमज़ोरी थी, उसने अपनी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाई है ना, तो इंग्लिश ना आना ये उनकी कमज़ोरी थी, तो उसी कमज़ोरी को उन्होंने अपने क्या किया, अपनी ताकत बना लिया। तो आज उनका दिल हॉस्टल में इतना लग रहा है कि वो गोया हॉस्टल को ही अपना घर फील कर रहे हैं। इन माई फ्यूचर कैरियर, मुस्तकबिल में, आउट ऑफ 32 years इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी 32 साल वो IT सेक्टर में रहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रहे, फील्ड में, आई वॉज द चीफ एग्जीक्यूटिव, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये बहुत आला ऊंची पोस्ट होती है, और मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे, MD भी रहे, ऑफ हेड ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्होंने बड़े बड़े ओहदे इनको मिले, विथ थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड, और इनके अंडर में हज़ारों सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करते थे, और सबसे ये इंग्लिश में बात करते थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड आई हैड टू गिव, और उस ज़माने में इनको प्रेजेंटेशंस, कई तकरीरें देना पड़ती थी, है ना, सेवरल, कई तकरीरें करना पड़ती थी, खिताब करना पड़ते थे, और निगोशिएशंस का, निगोशिएट कहते हैं फॉर्मल डिस्कशन, बातचीत करना, है ना, आमने सामने, मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स, कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर इनको साइन करना पड़ते थे, विद द CEOs, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स से, डायरेक्टर्स से, VIPs जो इंपॉर्टेंट पर्सन से, इन द US, खासतौर से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ये तीनों मुल्कों के सॉफ्टवेयर कंपनीज़ के CEOs, डायरेक्टर्स से ये बहुत ही अच्छी इंग्लिश में निगोशिएट भी करते थे, बातचीत भी करते थे, और प्रेजेंटेशंस, अपने स्किल्स, अपनी तकरीर भी उनके सामने बहुत, स्पीच बहुत अच्छे अंदाज से करते थे, इतनी महारत इनको आ गई थी, मुराद सीख लिया था। आई वॉज एब्सोल्यूटली एट ईज़ मनी, बड़ी आसानी से, एट दैट टाइम,
और ये सब मैंने उस वक्त बड़ी आसानी से सीख लिया क्योंकि लगन थी, मेहनत थी, सिंसियरिटी थी. इट इज़ ओनली ड्यू टू द एफर्ट्स एट IIT. और मैंने बहुत कोशिश की IIT में दैट आई कुड साइन कॉन्ट्रैक्ट्स वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्ल्ड वाइड. हाँ, इसकी वजह से मैंने हज़ारों यानी लाखों जो है मिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए एंड ऑल्सो रन लार्ज ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज. और बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनीज जो ग्लोबल थी उनको मैं चलाने के काबिल हुआ, यानी इंग्लिश सीखने की वजह से. ओके, चलिए एक नंबर आप डाइजेस्ट के 102 पर आ जाइए. हम एक्टिविटीज़ आपको सॉल्व करके दे रहे हैं. बच्चों शायद ही कोई टीचर हो महाराष्ट्र में जो एक्टिविटीज सॉल्व करके दे रहा है, लेकिन हम जो हैं आपको एक्टिविटीज़ तक सॉल्व करके दे रहे हैं. तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको अच्छी कामयाबी में चेंज करें. अदरवाइज़ अगर हम इससे सबक हासिल नहीं करेंगे तो हमारे जैसा बदनसीब कोई नहीं. एक तो हम ये बोलते हैं कि हमको कोई अच्छा पढ़ाने वाला मिलता नहीं है, लेकिन जब मिल जाता है तो हम अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते. अब देखो गोडबोले सर ने कितनी यानी ख़राब सिचुएशन में भी अच्छी इंग्लिश सीख के कितनी तरक्की की है ना. तो ख़राब हालात हमको सुधारने के लिए आते हैं, हमको इम्प्रूव करने के लिए आते हैं. तो हमने उन ख़राब हालात को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना चाहिए, मौके में चेंज करना चाहिए और तो और प्रोग्रेस करना चाहिए. चलिए देखते हैं पेज नंबर 102 पर. पैसेज नंबर 4 है, एज आई क्लाइम द स्टेयर्स से लेकर ग्लोबल सॉफ्टवेयर कंपनीज तक. ओके, मेक ए लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेप्स. एक लिस्ट बनाइए मुख्तलिफ स्टेप्स यानी क्या क्या इकदाम किए राइटर ने. द राइटर अंडर टुक टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल को, महारत को अच्छा करने के लिए राइटर ने कौन कौन से कदम उठाए. पहला, ही डिसाइडेड टू थिंक इन इंग्लिश बिफोर स्पीकिंग इन इंग्लिश, है ना. हाँ, के पहले उन्होंने सोचा कि अपने को इंग्लिश बोलना है ना, सोच कर बोलना है. देन स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर्स एंड नॉवेल्स. ओके, हाँ. तीसरा, ही स्टडीड एटीमोलॉजी, अल्फाज की तारीख पढ़ी एंड फोनेटिक्स, हाँ, तलफ़ुज के कायदे सीखे. एंड स्टडीज द रूट्स ऑफ द वर्ड्स, और अल्फाज कहाँ से आए वो सीखा एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम ये भी सीखा. ओके, ही स्टडीड एटीमोलॉजी फोनेटिक्स एंड स्टडीड द रूट्स ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ टू प्रोनाउंस देम. ओके, देन चौथी स्टेप उन्होंने क्या ली, ही यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, आईने के सामने खड़े रहे एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग. ओके, रियलाइजिंग हिज मिस्टेक्स, करेक्टिंग देम ऑल द टाइम एंड इम्प्रोवाइजिंग देम एंड इम्प्रूविंग देम डे बाय डे. ओके, दिस वॉज द 4 स्टेप्स टेकन बाय द राइटर टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. ओके, देन कम टू द A2 कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल में क्या बता रहा है, डिस्क्राइब द राइटर्स अचीवमेंट्स. गुड बोले जो राइटर हैं यहाँ पे उसकी कामयाबियाँ, उनकी कामयाबियाँ. आफ्टर अचीविंग मास्टरी, जब उन्होंने मास्टरी हासिल की, मास्टरी यानी महारत ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, जब उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में वो माहिर हो गए तो कौन कौन सी उनको कामयाबियाँ मिली. नंबर 1, हिज फियर ऑफ इंग्लिश डिसअपियर्ड, पहली कामयाबी. फियर, डर, डिसअपियर गायब हो गया, इंग्लिश ना आने का डर गायब हो गया. सेकेंड, ही स्टार्टेड फीलिंग क्वाइट कॉन्फिडेंट, उनको बहुत खुद एतमाद आई खासतौर पर अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश एट लेंथ विथ एनीबडी, और काफ़ी देर तक वो किसी के भी साथ इंग्लिश बोल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस उनमें आया. थर्ड, ही स्टार्टेड फीलिंग एट होम इन द हॉस्टल, हॉस्टल में उनको कैसा फील होने लगा, जैसे वो घर में है. फोर्थ, ही कुड गिव प्रेजेंटेशन विथ ईज, है इजीली वो प्रेजेंटेशन करने लगे, तकरीरें करने लगे. एंड फिफ्थ, ही निगोशिएट्स, है ना, एंड साइन मेनी कॉन्ट्रैक्ट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में उन्होंने निगोशिएशन की, बातचीत की, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए. एंड रैन, और क्या 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 चलाए, लार्ज सॉफ्टवेयर ग्लोबल कंपनीज. और लास्ट है, ही हीडेड, और उन्होंने रहनुमाई की सॉफ्टवेयर कंपनीज हैविंग थाउजेंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड, सॉफ्टवेयर के हज़ारों इंजीनियर्स को उन्होंने हीड किया, यानी उनकी रहनुमाई की, रहबरी की. ओके, तो ये 6 बातें हैं जो राइटर की अचीवमेंट को जाहिर करते हैं कि उन्होंने इंग्लिश में मास्टरी हासिल करने के बाद, महारत हासिल करने के बाद ये 6 बातें उन्होंने, 6 कामयाबी उनको मिली थी. ओके, A3 में इन्फ्रेंस इंटरप्रिटेशन एनालिसिस में क्या क्वेश्चन है, द राइटर वॉन्टेड टू अचीव मास्टरी इन इंग्लिश, राइटर इंग्लिश में मास्टरी हासिल करना चाहता था बिकॉज, क्योंकि पहला, ही वॉन्टेड टू स्पीक एक्सेलेंट एलिगेंट
एंड फ्लुएंट इंग्लिश. यस हाँ, वो अच्छी कामयाब और रवानी वाली इंग्लिश बोलना चाहते थे. सेकंड, ही वुड बी एबल टू अचीव, और क्या हासिल कर सकते थे, अचीव एक्सेलेंस एंड एक्सेल. वो कामयाब, वो उमदगी से इन एनी थिंग ही ट्राई टू डू, वो हर काम उमदगी से करना चाहते थे. थर्ड, ही नीड नॉट हैव टू फील अफ्रेड ऑफ एनीबडी, वो किसी से डरना नहीं चाहते थे. एंड स्टार्ट फीलिंग एट होम इन द हॉस्टल, और ये महारत उनको ऐसा लग रहा, ऐसा महसूस करवा रही थी जैसे वो हॉस्टल में भी रहकर मानो कहाँ हो, घर में हो. पर्सनल रिस्पॉन्स को कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे यहाँ पर है, कंप्लीट द वेब हाईलाइटिंग द वेरियस अपॉर्चुनिटी यू गेन्ड ड्यू टू यूर गुड इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स. हाँ, वेब डायग्राम यहाँ पे दिया गया है जिसमें ये बताना है कि अपॉर्चुनिटीज यू गेन्ड, आपको कौन कौन से मौके मिले जिसमें आपने अपनी इंग्लिश की स्पीकिंग को क्या किया, इम्प्रूव किया. जैसे ऑलवेज सिलेक्टेड फॉर डिबेट कॉम्पिटिशन्स, है ना, बहस मुबाहसे के मुकाबले के लिए आपको हमेशा सिलेक्ट किया गया, ये आपकी अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके लिए. सेकंड, अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्कूल लिटरेरी सोसाइटी, स्कूल की जो लिटरेरी सोसाइटी है उसमें आप सेक्रेटरी बनाए गए, इसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी मिली, मौका मिला. या सिलेक्टेड, आपको आपका सिलेक्शन का किस लिए किया गया, टू रीड स्कूल कॉलेज रिपोर्ट्स ऑन एनुअल डे, है ना, एनुअल डे सालाना गैदरिंग के दिन आपको स्कूल कॉलेज का पूरा रिकॉर्ड वो पढ़ने के लिए इंग्लिश में सिलेक्ट किया गया. या फिर चूजन टू कंपेयर प्रोग्राम्स, या आपको निजामत के लिए खड़ा किया गया, है ना, इन स्कूल्स एंड इन आवर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में कहीं भी. तो ऑल दिस फोर फैक्टर्स, ये चारों फैक्टर्स क्या बताते हैं कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी आपने उनको गेन किया, है ना. ओके, देन आप आ जाइए शोइंग पास्ट हैबिट वाले जुमले जो है इसमें भी है. आई यूज टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ, है ना, हाँ, ये यूज टू का जुमला है जो हमको बताता है हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट ऑफ द राइटर. ओके, उसके बाद माय फियर हैड वैनिश्ड, ये जुमला कौन से टेंस का है, है ना बच्चों. ये जुमला हैड प्लस वी थ्री अगर जो सेंटेंस में आ जाता है तो हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं. हैड प्लस वी थ्री यानी आई हैड, माय फियर हैड वैनिश्ड. तो वैनिश्ड जो है वो क्या है, थर्ड फॉर्म है, इसलिए हैड प्लस वी थ्री इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट टेंस. हाँ, एंड आई स्टार्टेड फीलिंग, और स्टार्टेड सिंपल पास्ट टेंस है ना. चलिए वोकैबुलरी, गेस द मीनिंग. निगोशिएट का मीनिंग हमने अभी आपको बताया, हैव ए फॉर्मल डिस्कस, फॉर्मल डिस्कशन विथ समवन, किसी से भी फॉर्मल डिस्कशन करना इन ऑर्डर टू रीच एन एग्रीमेंट विद देम, और कोई समझौता उससे बरामद होता. हाँ, नॉर्मल डिस्कशन, फॉर्मल डिस्कशन को हम क्या कहते हैं, निगोशिएशन, निगोशिएट. अच्छी उर्दू में उसको कहते हैं गुफ्तो शनीद, है ना, अच्छी उर्दू में आना चाहिए. एट ईज, एट ईज का मतलब होता है आराम से, आराम से बोल सकता हूँ इंग्लिश, मीन्स कंफर्टेबल, आई एम मच मोर कंफर्टेबल. उसके बाद फिल इन द ब्लैंक, सिलेक्टिंग द करेक्ट फ्रेज, अल्फा खाली जगह को सही फ्रेज डालकर भरिए. तो कौन कौन से फ्रेज है, फील आउट ऑफ प्लेस, स्पीक एट लेंथ, फील एट होम एंड सी ऑफ नॉलेज. ओके, हाँ, फील आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है कि अनकंफर्टेबल फील करना, स्पीक एट लेंथ काफ़ी देर तक बातचीत करना, फील एट होम घर जैसा महसूस करना एंड सी ऑफ नॉलेज और इल्म का समंदर. जैसे यहाँ पे दो करके बताए गए हैं, बाय द एंड ऑफ द वीक, ये हफ्ता ख़त्म होते होते, शी वॉज बिगिनिंग, वो शुरू करेगी टू फील एट होम इन हेयर हर न्यू जॉब, है ना. हाँ, तो हफ्ता गुजरते गुजरते उसको ऐसा महसूस होने लगा नई नौकरी पर कि वो घर पर ही है. द टीचर स्पोक एट लेंथ एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, टीचर ने काफ़ी देर तक गुफ्तगू की और कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया. ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमारा फोर्थ पैसेज भी ख़त्म हुआ. अब हमारे दो पैसेज बाकी हैं, क्योंकि इसमें जो है, नहीं अभी हमारे चार पैसेज बाकी हैं, तो इंशाल्लाह हम चारों पैसेज भी आपको पढ़ाएंगे. आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि महाराष्ट्र का एक भी बच्चा ऐसा ना हो उर्दू मीडियम का जिसको ये वीडियो ना 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 दिखें, बल्कि उनको उनको दिखना चाहिए, उन्होंने इससे जो है पढ़ना चाहिए और अच्छे मार्क्स लेना चाहिए, यही हमारा
मकसद है। ओके, उम्मीद है कि आपको ये फोर्थ पैसेज समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज़।